गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है, उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वो प्रभु कौन है ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। पीछे लग गया जाऊं था मैं लोक वेद के साथ, रस्ते में सतगुरु मिले दीपक दे दिया हाथ। चारों युग में संत पुकारे कूक कहा हम हे लरे, ईरे माणिक मोती बरसेंगे जग सुगता डेल रे। एक पुन्नी एक पापी आया एक है सोम दलेल रे, गरीब दास हरि नाम बिना ये सब ही जम की जेल रे। अपनात्मा परमात्मा का विधान है कि जैसे कर्म करेगा वैसा ही फल पाएगा, और ये विधान है उस प्राणी के लिए जो सत भक्ति नहीं करता। कबीर परमेश्वर की यानी परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति नहीं करता, परम पूज्य कबीर भगवान की पूजा नहीं करता, परम संत से लेकर इन नकली कबीर पंथियों से लेकर नाम भक्ति करना भी व्यर्थ है, क्योंकि इनके पास वो सतनाम और आदि नाम नहीं है, इनके पास कंप्लीट कोर्स नहीं है, सत भक्ति मार्ग नहीं है। इसलिए परमेश्वर ने कहा था धर्मदास तो लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान अभी कहीं बाहर न जाई। मूल ज्ञान बाहर जो पढ़ी बिचली पीढ़ी हंस नितर ही, इस मूल ज्ञान को जो ये दास अब आपको बता रहा है, इस मूल ज्ञान को तब तक छुपाई जब लग ये द्वादश पंथ ना मिट जाए। अपने आत्माओं जितने भी ये पंथ काल के द्वारा चलाए गए हैं, इस दास के अतिरिक्त ये सभी काल प्रेरित हैं, अपने ही सदग्रंथों को ना समझकर काल के द्वारा भेजे गए इन दूतों के कारण ये भ्रमित हैं। शिव पुराण में एक प्रसंग आता है, एक बार देवताओं का और राक्षसों का युद्ध हो गया। राक्षसों से देवता पराजित होकर के भाग गए, फिर समुद्र के किनारे छुपकर जाकर कहीं दूरी पर फिर भक्ति करने लगे, यानी विष्णु जी की उपासना की। तो वहां क्या हुआ कि काल विष्णु रूप में आकर प्रकट हो गया। ये ऐसी लीला करता है, भ्रमित रखता है, अपना वास्तविक रूप में किसी के सामने नहीं आता। विष्णु जी की पूजा करने लगे, विष्णु रूप धारण करके ये स्वयं आ गया और कहा कि बोलो तुम क्या चाहते हो। उन्होंने अपना दुख बताया कि हम राक्षसों से पराजित हो गए और हम बहुत कष्ट में रहते हैं, हमारा कुछ समाधान करो प्रभु। तो उस काल ने विष्णु रूप में कहा कि वो सत भक्ति करते हैं, वो वेदों अनुसार साधना करते हैं, और तुम वेदों अनुसार साधना भी करते हो, लेकिन तुम्हारे अनुयायी गणे हैं, उनको तुम आशीर्वाद दे दे के अपनी बैटरी डिस्चार्ज साथ करते रहते हो, और उनके राक्षसों के सीमित हैं, वो इतना वेस्ट नहीं कर पाते हैं, इसलिए सत भक्ति करने से शास्त्रों को अनुसार जो वेदों अनुसार ब्रह्म सत्र की जो साधना है उनकी वही शास्त्र अनुकूल है, ओम नाम का जाप और हठ योग करना, ये ब्रह्म तक की साधना है, काल तक की साधना, सर्वपुरुष की साधना, जन्म मृत्यु का विधान है इसके अंदर, बस इतना ही है, किया कर्म ही प्राप्त होगा, पूर्ण मोक्ष नहीं हो सकता इस मंत्र से। तो उस काल ने क्या कहा कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा और मैं एक दूत भेजूंगा उन राक्षसों में बड़ा विद्वान बना के, और उनकी इस वेदों अनुसार साधना को छुड़वा दूंगा, और फिर तुम युद्ध करना, वो हार जाएंगे। तो ऐसा ही किया उसने, अपनी शक्ति से एक मायामोह नाम का एक व्यक्ति बना दिया, उसका नाम धर दिया मायामोह, और उसको शक्ति दे दी
और थोड़ी सी बोलन की शैली बढ़िया दे दी। भक्ति युक्त प्राणी होते हैं जो भेजता है अपने कार्य सिद्धि के लिए। पूर्वजनों की भक्ति होती है, वर्तमान में उनकी सिद्धि भक्ति होती नहीं, अन्य उससे प्रभावित अवश्य हो जाते हैं। उनकी बोलने की शैली ऐसी होती है जैसे महर्षि दानंद था, युकाल का भेजा दूत था, पिछले पुनकर्मी प्राणी था, आगे नकली संत मिले, स्वयं बनकर स्वयं महर्षि और दुनिया बर्बाद करके चला गया। ऐसे ही ये था, यो माया मोह भेज दिया और वो पहुंचा उन राक्षसों के अंदर। अब उनको लगा शिक्षा देने कि तुम जो भक्ति करते हो इससे क्या लाभ है, ऐसा है वैसा है, पता नहीं कितने प्रवचन करे, धारावाहिक बोलर छपके छक्के छुड़ा दे बोलन में। हमने क्या कह रहे हैं, गणा बोलने के तो भूसा भी बक जाया करे। तो कहने का भाव ये है कि उन सभी ने उस चतुर व्यक्ति उस काल के दूत की बातों को मान लिया, अपने वेदों अनुसार सत साधना जो करते थे उसको त्याग दिया और फिर वो डड़े ढोंढ लग गए जो मूर्ख बना गया वो नकली। और फिर जब उनको पता चला देवताओं को, तो उन्होंने उनसे युद्ध कर दिया तो राक्षस हार गए, देवता विजयी हुए। तो आज आपकी वो स्थिति होगी। इस काल ने कहा था सतयुग में वचन हुए थे परमात्मा से, जो प्रथम बार मालिक आए थे सतयुग में, तो उसने कहा था भगवान तीन युगों में जीव ना ले जाना, चौथा युग कलयुग आओ जब आप कितने ही प्राणी ले जाइयो, ये मुझ पर रहम कर दो। तो ऐसा परमात्मा ने तथास्तु कर दिया था, चल भाई ऐसा मैंने मान लिया। अब इसने यहाँ आकर कलयुग में किस प्रकार के धर्म बना दिए, कितने हमको बांट डाला और कितने नकली पंथ चला दिए। इस दास के आने से पहले सब ने कति डंडोरा पीट दिया, सबको घेर के बैठ गए। अब काल ने कहा था कि जब तुम अपना हंस भेजोगे, संत भेजोगे, अपना अंश भेजोगे, अपना कोई संदेश वाहक भेजोगे जोगजीत, उससे पहले मैं सभी प्राणियों को भक्तिहीन बना दूंगा, चरित्रहीन बना दूंगा और भिन्न भिन्न विभागों में बांट दूंगा, अन्य देवताओं की पूजा पर इतना दृढ़ कर दूंगा कि तुम्हारी फिर कोई सुनेगा नहीं, जब इससे कहा जाना और समझा लेना कलयुग में आके। तो परमात्मा ने कहा था ठीक है भाई। और इसने ये भी कहा था काल ने कि भगवान आप जबरदस्ती ना करना, बलपूर्वक ना ले जाना किसी को, आप अपना ज्ञान देना, आपका ज्ञान माने आपके, मेरा ज्ञान माने मेरा, वो मेरे ही जाल में रहे, उनके साथ जबरदस्ती ना करना। परमात्मा ने कहा भाई ठीक है, बगैर ज्ञान के तो ये वहाँ से आ ही गए थे, फिर बगैर ज्ञान के तो फिर यही धक्के खाएंगे, ये मेरे साथ चल ही नहीं सकते। तो अब ये परमात्मा ज्ञान दे करके आपको ले जाएगा। अब जैसे इस ज्ञान के आधार से हम सतलोक जाएंगे, ये ज्ञान आपको दिया जा रहा है, तो इस ज्ञान की प्राप्ति के लिए आपको परमात्मा ने शिक्षित बनाना पड़ा। अब जो प्रश्न चल रहा है कि अब हम इतने बिगड़ गए और काल यही चाहता है कि तुम्हारा जब हंस आएगा ये किसी की सुने नहीं, नकली संतों से पंथों से ये थक चुके होंगे और दूध का जला फिर छाछ को भी फूक मार कर लस्सी भी फूक मारता है। तो काल ने सोचा था फिर कोई नहीं सुनेगा उनके हंस की, परमात्मा के संदेश वाहक की, सतमार्ग दर्शन करने वाले की, काल ने सोचा था कोई नहीं सुनेगा। उसने कहा था कि बेशक जाओ जोग जीत संसारा, जीव ना माने कहा तुम्हारा, जीव तुम्हारा कहा ना माने और हमारी ओढ़ हो बाद बखाने। काल ने कहा था कि तुम्हारा कोई भी बात नहीं मानेगा और हमारी ओर हो करके, यानी हम काल के ज्ञान पर तुम्हारे साथ वाद विवाद करेंगे, तुम्हारी कोई नहीं सुनेगा। तब परमात्मा ने कहा था कि धर्मदास जी से बता रहे थे कि कहा था प्रभु फिर कैसे बात बनेगी दाता, अब तो आज कल युग में तो सचमुच इसने हमारे कितने तो धर्म बना दिए और कितने हमारे को अज्ञान से भर दिया, तीर्थ व्रत और इन मस्जिद मंदिरों के पूजनों तक सीमित कर दिया, अब कैसे मानेंगे भगवान आपकी बात को। तो परमात्मा ने कहा था धर्मदास एक समय आएगा कलयुग में और उस समय
अपना दास भेजेंगे हम, और फिर देखना मैं कैसे लीला करता हूँ। उस समय तक ये सभी नकली दूत अपने ज्ञान बताकर थक चुके होंगे। इनके अनुयायी भी उस अज्ञान को सुन सुन उनके कान पक चुके होंगे, और फिर हम अपने दास को भेजेंगे, वो उनके अज्ञान का मोतियाबिंद का ऑपरेशन करेगा। तो इस ज्ञान से हम समझाएंगे, इस तत्व ज्ञान से उस परमात्मा के बच्चों को समझाएंगे, अपनी शरण में लेंगे भगवान, इसलिए शिक्षा आपको दी थी। तो क्या बताते हैं परमात्मा कि आज कितना बिगड़ गया समाज, और जो पुण्यात्मा इस दास के साथ 10 वर्ष से 12 वर्ष से लगे हुए हैं, आज उनके अंदर कितना परिवर्तन है। वही पुण्यात्मा है, यहाँ देख लो पुण्यात्माओं आपके लिए हाजिर खड़े रहते हैं, करबद्ध खड़े रहते हैं, और दोनों हाथों से दान करते हैं। इनको पता लग गया है कि हमारे जैसे दुखी सभी प्राणी हैं संसार में, कोई सुखी नहीं, और यहाँ आएंगे उसके लिए दान करते हैं, आपके लिए सब व्यवस्था करते हैं, आपस में प्रेम से रहते हैं, तो ये पूरा माहौल बदल जाएगा। अब ये किसी से ना रिश्वत लेते हैं, ना बीड़ी शराब मांस तम्बाकू का प्रयोग करते हैं, ना बच्चों के विवाह में अननेसेसरी कोई भी व्यर्थ ड्रामाबाजी लोग दिखावा नहीं करते हैं, इनको पता लग गया है। तो इसी प्रकार ये धीरे धीरे ज्ञान, जैसे अज्ञान बढ़ा है, ज्ञान भी ऐसे ही वृद्धि होएगी, होएगी गारंटीड होएगी, भगवान ने बोल रखा है, कह रखा है। तो परमात्मा ने कहा था कि जब कलयुग बीतेगा 5500 पाचा, कि क्या कहा था परमात्मा ने कि कलयुग के अंदर एक ऐसा समय आएगा जब हम अपना दास भेजेंगे या स्वयं जाएंगे। धर्मदास कह रहा था कि भगवान अब आप स्वयं आए हुए हो, और अब ये कोई नहीं मान रहा दाता, फिर तो और घोर कलयुग हो जाएगा। अब तो बहुत अच्छी आत्माएं हैं, भगवान से डरने वाले भी हैं, आप बता रहे हो उस समय तो बहुत नास्तिक होने के कागार पर होंगे, आप कैसे समझा पाओगे मालिक। तो परमात्मा ने कहा था वो विधि मेरे पास है, आने दे वो समय जब 5500 वर्ष कलयुग के बीत जाएंगे, तब पूरी पृथ्वी पर मेरी ही ज्ञान की चर्चा होगी, और मेरी शरण में सारे आओगे, और मैं ही भगवान होगा, और एक ही ज्ञान होगा, सब मेरे बच्चे मुझे पहचानेंगे और सतलोक जाएंगे बेटा, अरबों की संख्या में ले जाऊंगा, तो विश्वास रख। तो उस समय धर्मदास का विश्वास नहीं हो रहा था कि भगवान ये कैसे संभव हो सकेगा, आज आप स्वयं विद्यमान हो, उस समय ऐसा जुल्म होगा कि शराबी कवाबी सब बना देगा, ये काल इसकी तनीति है, उस समय तो और करड़ा हो जाएगा। तो भगवान ने कहा था कि जब तक वो समय नहीं आता तब तक ये मेरा वचन भाई हो नहीं साचा, निराधार दिखाई देंगी मेरी बातें, लेकिन जब वो समय आएगा सबको ठीक कर दूंगा। धर्मदास विश्वास रख, ये शिक्षा इसीलिए दी गई है पुण्यात्माओं कि आप ये अपने परमात्मा को पहचान लो, और पहचान रहे हो, छोड़ छोड़ कर नकलियों को भाग रहे हो। कबीर साहब कहते हैं कि डूबे थे पर उबरे, गुरु की लहर चमक, गुरु के ज्ञान चमक, और भेरा देखा जरजरा उतर चले फड़क। जैसे पहले बेड़ा होया करता, बेड़ा बेड़ा क्या होता, नौका तो बाद में चली है, पहले ऐसा दिमाग था लोगों में, क्यों काल नबुद्धि तो छोड़े ही रखी, दरिया पार करने के लिए एक बेड़ा बना करते, लंबा चौड़ा सूखे लकड़ों का, या फूस फास सा रख कर ऊंचा सा, जो पानी तक ना पहुंचे, नीचे वैसे बांस बूंस से लगा कर, और उसको वो आधा पानी में डूबा रहता, आधा थोड़ा बहुत ऊपर सूखा। तो कहते हैं उस बेड़े में बैठे जा रहे थे दरिया पार होने के उद्देश्य से, और साथ में आ गया नया बेड़ा बहुत सुरक्षित, तो उसको कहा किसी ने कि ये तो डूबेगा, तुम डूबोगे, ये सारा कंडम हुआ पड़ा तुम्हारा बेड़ा, ये पार नहीं कर सकेगा तुम्हें, इसमें आ जाओ देखो ये बिल्कुल ठीक है। कहते हैं जब देखा, दोनों को तुलना किया कि सचमुच ये तो आधा कंडम हुआ पड़ा डूबने वाला है और सामने वाला ठीक है, तो कहते उतर चले फड़क, तुरंत बेड़ा बदल लिया, एकदम छलांग मार के जैसे फड़क जंप लगा जाते हैं भयभीत सा होकर के। तो परमात्मा ने कहा था कि उस समय इस ज्ञान से और उस अज्ञान की तुलना करके मेरे बच्चे मेरे वाले ज्ञान को ऐसे ग्रहण करेंगे जैसे
उतर चले फड़क न दौड़ के भागाओगे, कोई ना मरे नकलियों के पास। तो उस समय की इंतजार है धर्मदास मुझे, पूरे विश्व में मेरा ही ज्ञान होगा, मेरा ही गुणगान होगा और पूरी पृथ्वी पर एक बार फिर से सतयुग जैसा माहौल होगा। अब सतयुग में क्या होता था, सब संतुष्ट होते थे ना, कोई बड़ी बड़ी कोठियां बनाते थे, झोपड़ियां डालकर टाइम पास करते थे, सुंदर फल आहार अच्छा आहार करते थे, अच्छा विचार रखते थे, सभी भक्ति किया करते थे। जब तक हम भक्ति पर दृढ़ होकर नहीं लगेंगे, हमारे विकार समाप्त नहीं होते, कोई न कोई बकवाद मन में लगी रहती है, कभी कोठी बनान की, कभी कुछ और लड़की ब्याण की, कि लड़का ब्याण का, यानी विवाह तो करना ही है लेकिन जो हमने रीतियां बना रखी हैं वो लड़का जवान होता जाता है, लड़की जवान होती जाती है, पिता और माता के छाती पर बोझ बनता चला जाता है, क्योंकि हमने ये दहेज ले और दे के हमने अपने ऊपर वजन धर लिया। अब ये वजन समाप्त करेंगे, बच्चों का विवाह ऐसे प्यार से करेंगे जैसे सिंपल वे से कति, क्योंकि संस्कार भगवान ने जोड़ रखे हैं। जिस लड़के लड़की का जहाँ संयोग है वहीं होगा, चाहे सर पटक लो कोई, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। फिर जब भगवान ने ब्याह कर ही रखा है तो हम तो निमित्त बने थोड़ा सा कि हम अपनी पुत्री का विवाह आपके पुत्र से करना चाहते हैं, खाना खिलाओ थोड़ा सिंपल सा और बच्ची को पढ़ाई कर दो, ड्रामा बाजी फलौन दकड़। और जब भगवान ने उसकी किस्मत में लिख दिया और फिर इधर से नाम प्राप्त हो गया तो भगवान नई किस्मत लिखेगा अपनी बेटी की? एक दहेज से कितने दिन सुखी हो सकता है और कितने दिन अपने पुत्री को आप सुखी कर सकते हो? वो लेने वाला कितने दिन उससे अपना निर्वाह कर सकता है? फिर भी अपने हाथों से निर्वाह करेगा और भगवान पर विश्वास करेगा तो जीवन सफर उसका अच्छी तरह पूरा होगा। तो हम पहले से ही मालिक से डर कर चलेंगे। अगर हम किसी का धन लेते हैं तो हमारे ऊपर कर्जा बन गया, दान लेते हैं, दहेज लेते हैं और फिर यही लेन देन के चक्कर में फिर हम उनके पशु बनकर आएंगे। आज हम दामाद बनकर ले रहे हैं, अगले जन्म में पशु बैल बनकर देंगे, गधे बनकर देंगे उनके, बता क्यों शर्म दर्द करे? तो बिना ज्ञान के कहते जैसे कर का जहर का रंग होरी हो, कहो कौन तिस खावे राम रंग होरी हो। जब आपको ज्ञान होगा कि तो विष है, इस विष को कैसे खाएं, अब विष पड़ा हो कहीं पर एक कण भी पड़ा हो और आपको पता है ये विष है, आप लगा के दिखाना जीभ के फेंक देगे नू और हाथ भी धोकाओगे और इसी जगह डालोगे कहीं और का हाथ ना लग जाए और भी ना मर जाए। तो ये विष खा रहे हैं हम और यही भटक रहे हैं, मर रहे हैं, गधे कुत्ते बनकर सड़ रहे हैं, एक दूसरे के फिर लठ खा रहे हैं, कोई गधा बनकर खा रहा है, कोई बैल बनकर खा रहा है, कोई खच्चर बनकर लठ खा रहा है। तो ये ऐसा जुल्म, हमें ज्ञान नहीं मिला, हमें भगवान नहीं मिला, इस कारण से हम यहाँ इस काल के डकली चोचलों में उलझ के अपना जीवन नष्ट कर जाते थे। तो प्रसंग चल रहा था कि मेले ठेल जाइयो, मेले बड़ा मिलाप, पत्थर पानी पूजते ये साधु संत मिल जाते। अपनात्मा पहले तो परमात्मा आए थे 600 वर्ष पहले और 120 वर्ष रहे, एक ही दिन में हजारों स्थानों पर प्रकट होकर के अपना प्रचार किया करते थे। एक सिद्धि बहुचौल्य धार है, एक सिद्धि है बहुत रूप बना लेती है। पुणात्मा परमात्मा से प्राप्त शक्ति से भी कुछ सिद्धियां किसी व्यक्ति में आ जाती हैं। जैसे हम सुना करते थे कि एक महात्मा ने वहाँ कहीं आश्रम बना रखा था, झोपड़ी में रहता था, क्या बताते थे कि उस महात्मा को कुछ देखा कि एक दिन वो उस घर में वहाँ भी थे, उस गांव में भी इस टाइम थे जहाँ जाना असंभव था। दूसरा तीसरा बताता था कि मैंने वहाँ भी देखे थे ये महात्मा, उस दिन इस समय वहाँ पर थे हमारे यहाँ, जो इकट्ठे होते थे। तो कहने का भाव ये है कि परमात्मा से प्राप्त हल्दी की गांठ से भी कोई पंसारी बन जाता है और परमात्मा में दिया असंख्य सिद्धियाँ हैं ऐसी ऐसी। तो उस परमात्मा ने ऐसे किया और अब ये टेलीविज़न दे दिया, अब इसके कारण से अपने बच्चों को समझा रहे हैं। अब दूसरा क्या बताया कि मेले ठेले जाइयो, मेले बड़ा मिलाप और पत्थर पानी पूजता कोई साधु संत मिल जाते। अब कहते हैं जैसे इन धार्मिक मेलों पर श्रद्धालु ही जाया करते हैं,
मोक्ष प्राप्ति या कोई धन लाभ के लिए, कोई संकट निवारण के लिए दुखी भी जाते हैं। तो साधु संत मिलते रहे, हमें वो तत्व ज्ञान ना था, जिस कारण से उन महापुरुषों से भी हम दूर हो गए अज्ञानता के कारण, अनजानपने में काल के दूतों ने हमें भ्रमित कर दिया। अब परमात्मा ने ऐसी कृपा बख्शी है कि आपको शिक्षा दी, अक्षर ज्ञान करा दिया और अब एक ऐसी जड़ी बनवा दी इस दास के द्वारा, इस सारे आध्यात्मिक ज्ञान को सुलझा के एक कैप्सूल बना दिया, ज्ञान गंगा एक कैप्सूल बना दिया। दास ने सत्संग किया तो भक्तों ने उसको संग्रह करके एक पुस्तक बना दी, ज्ञान गंगा। और उस पुस्तक को लेकर के ये भक्त वहां पर जाते हैं जहां धार्मिक मेले भरते हैं। जैसे एक बार हरिद्वार में मेला भरा, कुंभ का मेला, और वो एक महीने चला। हमारे भक्त वहां गए पुस्तक लेकर के, तो श्रद्धालुओं ने पुस्तक ली, कुछ जो जिनकी रोजी रोटी चल रही थी उन्हीं स्थानों से, उन्होंने विरोध किया, भक्तों के साथ भी दुर्व्यवहार किया। ये गए थे परमार्थ के लिए, और जिन पुण्यात्माओं को पुस्तक हाथ लगी वो कौन था? वो पुस्तक नहीं, वो कबीर परमात्मा की उपस्थिति समझो, वो संत समझो। तो अब तरीका संत का ये बनाया मालिक ने कि सब शिक्षित है, ये तत्व ज्ञान रूपी पुस्तक उनको दे दी, और उस पुस्तक को पढ़कर अब वो पुण्यात्मा यहां रहे। कोई मथुरा में गया था फेरी लाने, वहां भगत पहुंच के परमात्मा के बच्चे अपने भाई बहनों को जगाने के लिए उनको पुस्तकें दी। वहां भी वहां के जो ठेकेदार बन रहे हैं उनकी दुकान चल रही है, वहां भटकने वालों से पैसे ले लेकर अपना निर्वाह कर रहे हैं, दुनिया को भ्रमित कर रहे हैं, आप भी नरक में जा रहे। उन्होंने विरोध कर दिया, पकड़ो पकड़ो इनको, फिर वहां से भाग गए बेचारे। ऐसा जुल्म कर रखा है इन अज्ञानियों ने, अब इतना शिक्षित समाज है फिर भी उन्हीं के भ्रम में भरे पड़े हैं। फिर ऐसी जगह जगह पर जाते हैं उनको समझाने के लिए, उद्देश्य इनका कोई स्वार्थ नहीं है, परमार्थ के लिए जाते हैं, अपनी स्वेच्छा से जाते हैं कि हम दुखी थे ये भी दुखी हैं, इनको ज्ञान नहीं, इस तत्व ज्ञान से ये सुखी हो जाएंगे, इनके बच्चे भी सुखी होंगे, इनका जन्म मरण का रोग भी कटेगा, इस उद्देश्य से जा रहे हैं। तो कहते हैं मेले ठेले जाइयो, मेले बड़ा मिलाप, और पत्थर पानी पूजते हैं, अज्ञान गंगा मिल जाते तो बेड़ा पार हो जाएगा आपका। पुणात्माओं, परमात्मा हमें याद दिलाने आए थे, इस झूठे सुख को सुख कहे ये मान रहा मन मोदी, ये सकल चबीना काल का कुछ मुख में कुछ गोदे। परमात्मा बताते हैं कि झूठे सुख को भी आप सुख मान रहे हो, और ये यहां सब काल का आहार है, कुछ मुख में है कुछ गोदी में। अब परमात्मा ने बताया कि जिसको तुम परमात्मा मान रहे हो, परमेश्वर कबीर जी कहा करते थे कि जिसको तुम भगवान मानते हो ये भगवान नहीं है, श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1-4 में, 16 और 17 में। इस अध्यात्म मार्ग का बहुत सा ज्ञान सुलझाया है। अपने आत्माओं, ये जो तत्व ज्ञान रूपी जड़ी दास आपको दे रहा है, सत्संग सुना रहा है, इसी के आधार से यह पुस्तक बनी है। पहले भक्ति सौदागर को संदेश बनाया था दो भागों में, फिर उसी को एज इट इज है वो नाम बदलना पड़ा, क्योंकि भक्ति सौदागर पुस्तक को सुनकर ये नकली डेरिया वाले बिदकन लग गए कि यह पुस्तक नहीं लेनी है, ये पुस्तक नहीं लेनी है, तो बच्चा नाम बदल लिया कि अपनी जड़ी यह पहुँच जाए भक्ता के तक। तो ये एक ऐसा ज्ञान सुलझा दिया। कबीर परमात्मा कहते हैं, कहा है मालिक ने कि नौमन सूत उलझिया, ये ऋषि रहे जखमार, और सतगुरु ऐसा सुलझा दे उलझे ना दूजी बार। अब ये ज्ञान ऐसा सुलझा दिया
इस कलयुग में नहीं उड़ जाएगा। भक्ति करेंगे, सभी करेंगे, अब सदियों तक चलेगा ये भक्ति मार्ग, पूरे विश्व में जाएगा ये तत्व ज्ञान। सबको जरूरत है परमात्मा की, क्योंकि जब राजा भी दुखी होता है वो संतों के पास जाता है और संतों से अपने राज्य में सुख की चाह करता है। वो संत क्या है, वो भी भगवान की भक्ति करके कुछ बैटरी चार्ज कर रहा है। हम सीधे उसी परमात्मा से, उसी भगवान के उस पंप के पास खड़े हैं जो हमारे अंदर सब हवा भर रहा है। तो इस प्रकार हम सीधे उस भगवान की शरण में आगे हैं, जिससे राजा भी अपने सुख की कामना करता है। तो आज हम उससे लाभ प्राप्त करेंगे और मोक्ष भी प्राप्त करेंगे। आगे चल करके बहुत समय बाद ये हजारों वर्षों तक रहेगी, ये सब भक्ति का ज्ञान भी चलेगा और सभी भगवान को जाने वाली व्यक्तियां भक्ति कराया करेंगे। कोई भी व्यक्ति विकारी नहीं रहेगा, क्योंकि तमाखू शराब मांस ये मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। ये कति मूल नाश होगा इसका, देख लेना कुछ दिनों। और जो ये बकवाद हमने कोठी बनाई बंगले बनाने में सारा जीवन बर्बाद कर दिया, रिश्वत ले लेकर अपने आत्माओं जब जजों तक के ऊपर उंगली उठ रही है कि ये रिश्वत लेकर के अन्याय करते हैं, तो अंतालिया कति मानवता का नाश हो चुका है। राजनेताओं का देख लो, मंत्री और मुख्यमंत्री, इन बड़े बड़े सेंटर के मंत्रियों के ऊपर वो जेलों में पड़े हैं, झूठे साचे तो समय आने पर पता लगेगा। तो यदि ये सच है तो क्या जीवन है जीव का, कहाँ जाइए गरीब जनता जब हमारे रक्षक ही भक्षक बन बैठे हैं। तो ये अज्ञानता के कारण है, ये नहीं है कि और बाकी सारे ठीक से, जिसका वहाँ बैठ कर दाव लगेगा कोई नहीं बख्शे। कोई का मतलब है कि अधिकतर हो चुके हैं, बहुतायत हो चुकी है ऐसे हमारे, लेकिन मिथ्या नहीं होते, ऐसी बात नहीं होती कि सभी बुरे नहीं होते, अच्छी आत्माएं हैं, उनकी कोई बसाती नहीं। गांव गांव में अच्छी आत्माएं हैं, जो वहां पर भी पंचायतों में विशेष न्याय प्राप्त नहीं हो रहा, अच्छी आत्मा वहां भी रोती हैं कि अब क्या करें, सब जगह बात बिगड़ चुकी है। तो अब ऐसी स्थिति आवेगी कि प्रभुता की भूख खत्म होगी, समय लगेगा थोड़ा सा, होगा इस ज्ञान से ही, और बहुत ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा, बहुत शीघ्र होगा, क्योंकि ये प्रचार बहुत अच्छी तरह हो रहा है। अपने आत्मा इस अच्छे मार्ग में है, एक ये दास है जो सत्य बता रहा है। इस दास को छोड़कर जितने भी संत हैं या पंथ हैं, वो अध्यात्म मार्ग से परिचित नहीं, उनके पास ये सत्य साधना नहीं, तत्व ज्ञान नहीं। अब जैसे पुण्यात्मा कितना ही अच्छा हॉस्पिटल हो और कितना ही नेक डॉक्टर बैठा हो बोलन में चालन में, लेकिन उसके पास ट्रीटमेंट उस रोग का है नहीं, तो खाक है वो हॉस्पिटल, और खाक क्या है वो डॉक्टर, फिर कितना अच्छा हो, कितना अच्छा बोलता हो, उसने क्या करेंगे हम। तो कहने का भाव ये है कि ये जो जड़ी है जन्म और मरण के रोग का नाश करने की, ये सतनाम है। सतनाम दो अक्षर का है, जिसमें एक ओम है और एक तत्सांकेतिक है, और फिर एक आदि नाम जिसको सारनाम कहते हैं, और प्रथम ये मंत्र जो सात नाम आपको दिए जाते हैं, जिनमें बीच में पांच नाम है। और ये कंप्लीट कोर्स अब स्टार्ट करना था। परमात्मा ने कहा था कबीर साहब ने धर्मदास जी से कि धर्मदास तो लाख दोहाई और ये सार शब्द की दबार न जाई, ये सार शब्द बार जो पढ़ी बिचली पीढ़ी हंस नितर ही। फिर क्या बताया दूसरे अध्याय में कि धर्मदास मोरी लाख दोहाई, ये मूल ज्ञान की तबार ना जाई, मूल ज्ञान बार जो पढ़ी ये बिचली पीढ़ी हंस नहीं तेरी। इस मूल ज्ञान को तू तब तक छुपाई जब तक द्वादश पंथ ना मिट जाए। अब अभी तक इसको छुपा के रखना था, ये मंत्र भी नहीं सार्वजनिक करने थे। आदरणीय नानक साहिब जी को भगवान मिले बेई नदी पर एक जिंदा महात्मा के रूप में सचखंड लेकर गए, इसी तरह आदरणीय गरीबदास साहिब जी को मिले थे गांव छुडानी जिला जद्दर हरियाणा में, ऐसे ही आदरणीय गीसा दास साहिब जी को मिले थे गांव खेखड़ा जिला मेरठ उत्तर प्रदेश में, ऐसे आदरणीय दादू साहिब जी को मिले थे, ऐसे आदरणीय मुरुखदास जी को मिले थे,
ऐसे आदरणीय धर्मदास साहिब जी को मिले थे जिंदा महात्मा के रूप में, इनको सचखंड लेकर गए थे, फिर इनको वापस छोड़ा था और इन सबको कह दिया था कि अभी इस सतनाम का तुम तो जाप करो लेकिन अभी किसी को बताना नहीं। आप जी को दिखाया था कि भाई बाल्य वाली जन्म साखी में, समुद्र की साखी में आदरणीय नानक साहिब जी स्वयं तो उस दो अक्षर के मंत्र सतनाम का जाप कर रहे थे लेकिन अपने शिष्य बाला और मर्दाना को कहा था तुम तो वाहे गुरु जपो। अब क्यों कहा था? क्योंकि आदेश था परमात्मा का कि ये पुण्यात्मा है। जैसे उन महापुरुषों ने पांच नाम स्टार्ट की थी नानक साहिब जी ने, फिर आगे चलकर प्रत्येक धर्म के लोग जो अपने सोच से उनको छोड़ देते हैं क्योंकि ये पांचों नाम इन हमारे कमलों के अंदर प्रधान विराजमान है। जैसे मूल कमल में गणेश जी और जैसे स्वाद चक्र में सावित्री वर्मा जी, नाभि कमल में विष्णु और लक्ष्मी जी, हृदय कमल में शिव और पार्वती जी, कंठ कमल में दुर्गा जी, ऐसे ये पांच नाम हैं। तो इन सब ने नू सोचा भी हमारे गुरु जी तो बात तो करते हैं सचखंड सतलोक की बताते थे वो तो, और तुम इन देवताओं की पूजाएं बताती हो। तो फिर उन्होंने इन पूजाओं को त्याग दिया और फिर केवल एक जो नानक साहब ने कहा था वाहे गुरु जाप करो, एक एक ओंकार कर्ता पुरुष निर्भव, ये पूरा सतनाम, ये महिमा है भगवान की। जैसे गायत्री मंत्र बना रखा है हिंदुओं ने, वैसे तो उसके सामने ओम मंत्र नहीं लगाना चाहिए क्योंकि ये यजुर्वेद अध्याय नंबर 36 का मंत्र 3 है, इसमें ओम नहीं लगा है। इन्होंने अपनी सोच से जैसा बना रखा है अब इसे दूसरा, इसलिए यहाँ आगे नहीं बढ़ाएंगे इसको। तो वहाँ नानक साहिब जी स्वयं तो वो सतनाम का जाप कर रहे हैं, अर्शिष्यों को बना कर रहे हैं और साथ में सार्वजनिक भी कर दिया कि कोई आने वाला इस समय के लिए कि हमें फिर पहचान जाएंगे कौन सा मंत्र है वो दो अक्षर का और जिससे मोक्ष हो सकता है। और उस समय क्यों, किस कारण से ये नहीं दिया गया सिख समाज में, और अब ये दास बताएगा वो सब कारण सब रीज़न, क्योंकि इस दास को परमात्मा ने भेजा ही इस उद्देश्य से है कि इस समय में सबको वो ज्ञान गूढ़ बताऊं जो परमात्मा के बच्चों ने उन महापुरुषों ने अभी तक छुपा कर अपने घर में दबा जरूर दिया, अपने अमृतवाणी में छुपा लिख रखा सब ने। जैसे आदरणीय नानक साहिब जी ने प्राण संग्रह बनाई थी एक पुस्तक और उसको सिंगल द्वीप के राजा शिवनाभ से कह दिया था कि ये मेरा शरीर समझ लेना, मैं आपका गुरु हूँ, गुरु को कितना आदरणीय रखा जाता है, तो ये मेरा शरीर समझ लेना जो मैं प्राण संगली यानी एक ग्रंथ लिखकर आपको दे रहा हूँ जिसके अंदर सारा भेद था। ये दो मंत्र का अक्षर का मंत्र भी उसमें क्लियर लिखा था, उसकी वे ऑफ वर्शिप भी लिखी थी। तो पांचवें गुरु अर्जुन देव जी को जब लगे ग्रंथ साहब की ये सब वाणियों को इकट्ठा करके जल्द बनाने में ये ग्रंथ साहब बनाने लगे तो वो भी देखा उन्होंने मंगा करके शिवनाभ राजा से, लेकिन उसके अंदर वो मंत्र जाप था दो अक्षर का जिसको समुद्र की साखी में नानक साहब जी जाप कर रहे थे और मर्दाना ने भी वो गलती से जाप करना शुरू कर दिया था, वो डूबने लगा था और नानक साहब जी ने कहा था कि मर्दाना तू मेरी नकल ना करे, मेरी करनी ना देख, मेरे वचन की बात पालना कर रहे। तो उस डर से उन अर्जुन देव जी ने सोचा कि कहीं ये मंत्र गुरु ग्रंथ साहिब में आ गया और सिख समाज इसको जाप करने लग गया तो गुरु जी की आज्ञा की अवहेलना होने से पापी बन जाएंगे और इनको हानि हो जाएगी जैसे मर्दाना को हो रही थी। इसलिए उन्होंने उस प्राण संगली को पढ़ा जरूर इस उद्देश्य से कि इसमें रखें ग्रंथ साहिब के अंदर, लेकिन इस कारण से उन्होंने उसको जल प्रवाह कर दिया। फिर भी परमात्मा की लीला देखो, एक साधु में प्रेरणा की अर्जुन देव जी से, उसने करबद्ध होकर दया करी, महाराज ऐसे अनमोल रत्न को ना डालो, इसमें क्या लिखा है कि ये मेरा शरीर है और मैं इसको छुपा के रख लूँगा, किसी को नहीं बताऊँगा, मैं पढ़ लिया करूँगा, मुझे आनंद आता है। तब वो रहम आ गया, मालिक की दया थी, वो बचा ली प्राण सिंगली, उसके 160 अध्याय बताए हैं
लेकिन अभी तक वो 80 ही प्रकाशित की गई है, 80 फिर भी छोड़ दी गई। अब फिर उधर से परमात्मा को मालूम था कि इतना लंबे समय में कोई ना कोई गलती काल करवा देगा हमारे बच्चों से। आदरणीय गरीबदास साहेब जी को भेजा और उसको सचखंड लेकर गए, फिर उनको वापस छोड़ा और पूरा वो ज्ञान कंप्लीट और भेज दिया दे करके। वो मंत्र भी क्लियर लिख दिया, राम नाम जप कर थर होई, ओम सोहम मंत्र दोई, ओम सोहम मंत्र जपिए, योग युगतिया दूनी तपिए। आदरणीय गीसा दास साहेब जी ने कहा कि ओम सो हम जप ले भाई, राम नाम की यही कमाई। ऐसे नानक साहब ने वो आपके समक्ष ही है। तो ये इस मंत्र का अगर अब डिस्क्लोज तो करना ही करना है, क्योंकि हमने पुस्तकों में भी छाप रखा है, लेकिन इसकी विधि नहीं बता सकते हम ऐसे किसी को। अरविधि के बिना उसका यूजलेस नहीं, फिर अधिकारी से लिए बिना भी इसका कोई लाभ नहीं। एक अपॉइंटमेंट लेटर है और उसी भाषा को कोई लिख ले और अधिकारी के दस्तक होना और वो अपने दस्तक कर दे तो यूजलेस है, करें रहो दस्तक। वो तो अधिकारी से ही होंगे साइन उसके, तभी उसकी वैल्यू बनेगी। तो ये दास अधिकारी है, इससे ये मंत्र प्राप्त होगा तो आपको लाभ होगा। फिर क्या बताते हैं, सो हम शब्द हम जग में लाए, सार शब्द हम गुप्त छुपाए। जैसे इन महापुरुषों की वाणी में है कि जो वास्तविक मंत्र है वो तुम्हारे इन 52 अक्षरों में लिखा नहीं, इन अक्षर ज्ञान जो तुम्हारे ग्रंथ हैं, वेद हैं, गीता है, पुराण है, कुरान है, बाइबल है, कहते हैं इन 52 अक्षरों में वो मंत्र नहीं है। क्योंकि ये सोहम मंत्र परमेश्वर स्वयं आए कबीर साहब कलयुग में तब प्रकट किया, उससे पहले किसी भी ग्रंथ में ये सोहम नाम नहीं है। सोहम शब्द हम जग में लाए, सार शब्द हम गुप्त छुपाए, धर्मदास मेरी लाख दुहाई, सार शब्द की दबार न जाई, सार शब्द बार जो पढ़ी, बिचली पीढ़ी हंस नितर ही। इन काल के दूता का भी मंत्र हाथ लग जाता दो अक्षर का, आज ये सबसे बड़ा काल का षड्यंत्र राधा स्वामी पंथ और इनके गुरु पांच नाम देते हैं, पांचों नाम काल के जानो, जब दानी मन शंका आनो, सतनाम और आदि नाम उनसे अलग हैं वो उनको पता नहीं। तो है पूरा काल का जाल, यू भ्रमित कर दिया करोड़ों जीवों को, भोली आत्माओं को, उन्होंने विश्वास किया कि परम धनी होंगे, अरुआ भूत बनकर बुक्की में बोल रहे शिवदयाल राधा स्वामी पंथ का प्रवर्तक, अपनी शिष्य बुक्की में भूत बनकर सारी क्रियाएं प्रेत वाली कर रहा है, हो गया मुक्त, चला गया राधा स्वामी लोक में। लोगों सब तो उत्ते साढ़ा राधा स्वामी लोक है, राधा स्वामी लोग तो बुक्की था फिर, जिसमें शिवदयाल बोल रहा था। उनके जीवन चरित्र में लिखा है कि शिवदयाल जी बुक्की मा करके सब बोला करता था, हुक्का भी पीने लग गया और फिर रोटी भी खाने लग गया बुक्की बहन के माध्यम से, और लेखक भी उसका आगे हाथ जोड़ता बुक्की का, अब मैं बैठे भूत के सामने कि कुछ लाभ कुछ मार्ग बताओ, बता दिया मार्ग, आप भी प्रेत और सारे प्रेत बनवाऊंगा बनेंगे। तो कहने का भाव ये है कि ये यदि ये मंत्र, जैसे एक शिवदयाल जी राधा स्वामी पंथ के शिवदयाल जी हुए जिन आगरा से, जो इस पंथ के प्रवर्तक माने जाते हैं, उन्हीं का शिष्य हुए जयमल सिंह जी, जयमल सिंह जी के शिष्य हुए सावन सिंह जी, ब्यास में उन्होंने प्रारंभ किया जयमल सिंह जी ने डेरा ब्यास राधा स्वामी का, उसके उत्तराधिकारी हुए सावन सिंह जी। सावन सिंह जी ने 5 भाग बनाए संत मत प्रकाश के, उसमें 4थे भाग में लिख रखा है कि वो एक गुरु पूरा का हो, जब 2 अक्षर का वेद बता तो तुम क्या हो फिर, नकली हो, तुम्हारे पास तो है नहीं वो 2 अक्षर, दुनिया जोड़े में बैठे यहाँ पर। तो इस प्रकार पुण्यात्माओं ये 2 अक्षर का वेद बतानी है, ये उदास है परमात्मा के भेजा हुआ। कहते हैं समझा है तो सिर दरपाओ और नीरे सदा, ये संसार समझदा नहीं कहंदा श्याम दोपहरे नो, गरीब दास ये वक्त जाता रोग इस पहरे नो। बोलो सतगुरु देव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर परमेश्वर जी की असीम कृपा से है आप जी ये सत्संग सुन रहे हैं।
परमात्मा की असीम कृपा से ऐसा संयोग, ऐसा योग जुड़ा करता है, ऐसा शुभ अवसर प्राप्त होता है। मानुष जन्म, फिर पूरे संत की शरण, पूर्ण परमात्मा की शरण, ये असंख्य युगों के बाद ये संयोग जुड़ा करते हैं जो आज आप जी को वो समय प्राप्त है। पुण्यात्माओं, डॉक्टर को ज्ञान होता है कि पेशेंट को कितनी राहत मिल रही है। डॉक्टर कहता है कि आपका सौभाग्य है, आप समय पर पहुंच गए, अन्यथा ये रोग भयंकर हो जाता। यदि और परमात्मा 100 वर्ष लेट कर देते तो ये भयंकर रोग हो जाता। पृथ्वी से परमात्मा का नामो निशान मिट जाता, पूरा विश्व चीन जैसा नास्तिक हो जाता। तो पुण्यात्माओं, अब ये पुनः भक्ति एक बार फिर से मानो समाज में प्रवेश होगी। परमात्मा की असीम रजा से यह समय आप जी को प्राप्त हुआ है। परमात्मा कौन है, वो कैसा है, और वो किस स्थान पर रहता है, या उसका कोई स्थान विशेष है ही नहीं, जैसा कि निराकार कहा जाता था। परमात्मा की हमें आवश्यकता किस लिए है, हम क्यों खोज रहे हैं, क्यों हम पहाड़ों पर कठिन कठिन जंगलों में भयंकर बियाबान में भटक रहे हैं, कहीं गुफाओं में बैठे हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ ऊंची पहाड़ियों पर परमात्मा की खोज कर रहे हैं। तो उसकी आवश्यकता क्या है, और यदि परमात्मा की हम आवश्यकता महसूस करते हैं तो वो मिले कैसे, इन सभी प्रश्नों का उत्तर आज से 600 वर्ष पहले परमात्मा कबीर जी स्वयं बता कर गए थे। लेकिन हम अपने पिता के उस रहस्य को समझ नहीं सके, क्योंकि हम बालक बुद्धि के थे, हम अज्ञान सुना करते थे। उस अज्ञान ने हमारे अंदर वो तत्व ज्ञान समाने नहीं दिया, जिस कारण से परमात्मा ने अब आपको शिक्षित किया, और शिक्षित करके अब आपको अपनी पहचान बताई, और वो विधान बताया, परमात्मा पाने का वो भक्ति मंत्र आपके समक्ष रूबरू करवा दिया। आज सुबह भी आप सत्संग सुन रहे थे कि परमात्मा आते हैं और अपनी महिमा का ज्ञान वो स्वयं ही कराते हैं। परमात्मा के बिना, कबीर परमेश्वर जी के अतिरिक्त हमें कोई भी तत्व ज्ञान नहीं करा सकता, अध्यात्म ज्ञान नहीं करा सकता। संसारिक रोजगार के लिए तो बहुत से ट्रेनिंग सेंटर मिल जाएंगे और वो उस सतर के तो सही होंगे, लेकिन परमात्मा पाने के आपको ये केंद्र नहीं मिलेंगे। और जिन केंद्रों को, जिन संतों को, सत्संग और पंथों को ये भोली आत्माएं परमात्मा मिलाने वाले वो केंद्र मान कर गए, वो सब नकली थे, डुप्लीकेट थे, उनका ज्ञान गलत, उनका भक्ति मार्ग गलत, उनका वे ऑफ वर्शिप गलत। तो पुण्यात्मा, परमात्मा ने दया करी आप जी के ऊपर, आपको सत्संग मिला,
यथार्थ ज्ञान मिला और वो कंप्लीट गॉड मिला, पूर्ण परमात्मा भगवान मिला। परमात्मा के पाने के जो साधन हैं, साधना जिसे कहते हैं, बहुत ही आसान है, सबसे आसान है। और इसको ये मन करने नहीं देता, आनाकानी करता है, बाकी कितनी बकवाद करवा ले इससे, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे श्रद्धालु जाते हैं इष्ट धाम पर, कई तो पेट पलड़ियां जाते हैं, ऐसे दंडवत करते हुए लंबे लेट जाते हैं, निशान लगाते हैं, उठ कर फिर जाते हैं, उस निशान पर पैर रख के फिर आगे लेट जाते हैं, फिर निशान लगाते हैं, तपस्या करते हैं खड़े हो होकर, और कई सैकड़ों वर्षों तक, कई कई वर्षों तक खड़े रहते हैं। पहले लंबी आयु थी जब सैकड़ों वर्षों तक खड़े रहा करते थे, अब 5-7-10 वर्ष तो बहुत से ये डड़े ढोने वालों की हमने बहुत सी कथाएं सुन रखी हैं। फिर उसमें मन को कोई ऑब्जेक्शन नहीं, नो प्रॉब्लम। और जब ये सही मंत्र जाप का समय आता है तो ये पहले तो विश्वास नहीं करता, क्योंकि अज्ञान से परिपूर्ण होता है ये मन। और जब इसको ज्ञान होने लगता है, सब समझ में भी आ जाता है, फिर ये मंत्र पर भी आनाकानी करता है। परमात्मा के ज्ञान से ये आत्मा फिर इसको अलाउड नहीं करती, पहले वाली बकवादे हैं। आत्मा के अंदर एक विशेष दर्द बनता है कि ये मनुष्य जीवन नहीं रहा तो फिर क्या होगा, इसके रहते रहते भक्ति करनी है, परमात्मा पाने योग्य हमने साधना करनी है। और इसके लिए हमने दिन रात जब भी मालिक की समय आए तभी याद बनी रहे, नाम उठत नाम बैठत नाम सोत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम से ती लागवे। सबसे आसान भक्ति है, और जो हम साधना करते देखा करते थे उन अनाड़ियों को, कोई खड़ा होकर साधना कर रहा है, कोई जल में खड़ा है, कोई गर्मियों के अंदर धुने लगा करके पांच उसके बीच में बैठा होता है, उनको देख करके हम सोचा करते थे कि भी परमात्मा तो ये लोग पावेंगे, ये साधु संत पावेंगे, हम नहीं कर सकते क्योंकि हम गृहस्थी। लेकिन आत्मा फिर भी निमान्य थी, आत्मा के अंदर ये प्रेरणा बनी ही रही थी कोई ना कोई साधना भक्ति की, जैसी हम कर सकते थे गृहस्थ आश्रम में हम अवश्य करते थे। तो पुण्यात्माओं, अब पता चला कि जो साधनाएं वो लोग किया करते थे, वो ड्रामेबाज थे, उनको अध्यात्म ज्ञान नहीं था, अनाड़ी गुरु थे उनके जो हठ योग करवाया करते थे। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार जी। नमस्ते जी। क्या नाम है बहन जी आपका? मेरा नाम राज रानी है जी। बहन जी आप कहाँ से आई हैं? मैं गली नंबर 7 शिव कॉलोनी देवड़ू रोड से आई हूँ जी, सोनीपत। बहन जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? जी मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा 2013 में ली। बहन जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करती थी? हाँ जी सर, मैं ये राजस्थान में एक बाबा मोहन राम है काफी मशहूर, वहाँ पे मैं बचपन से ही जाती थी जब से मैंने होश संभाला था। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आई? जी मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में ऐसे आई कि मेरे जो घरवाला था उसको काफ़ी धार्मिक चीज़ें देखने का शौक था, वो टीवी पे सत्संग वगैरह ही सुनता था। तो एक दिन ड्यूटी से आए वो और ऐसे ही टीवी के चैनल बदल रहे थे और संत रामपाल जी महाराज का सत्संग लग गया। वो सत्संग सुनने लगे, सत्संग सुनने लगे तो मेरे बच्चे और मैं जैसे बोल रहे थे तो वो बोलने लगे तुम लोग बाहर जाओ, जो ज्ञान मुझे चाहिए है आज मुझे वो ज्ञान मिला है। मैंने कहा ऐसा क्या ज्ञान मिल गया कि आप हमें और बच्चों को भी बाहर निकाल रहे हो? तो जी उन्होंने मेरे से और मेरे बच्चों को गुस्सा किया और हमको बाहर निकाल कर कुंडी लगा कर वो सत्संग सुनने लगे।
एक दो दिन वो ऐसे ही सत्संग सुनने लगे। मैं भी एक दो बारी जैसे उनको चाय वगैरह वगैरह देने जाती तो मेरे कानों में भी कुछ वर्ड पड़े, तो मैं भी ये चीज नोट करने लगी कि जो ये संत बता रहे हैं, बता तो ठीक भी रहे हैं, लेकिन पहली बार ऐसा संत देखा है जो संत कबीर को भगवान बता रहा है, वो तो एक कवि हुए हैं। और जब मैंने इस चीज को नोट करना शुरू करा, थोड़ा थोड़ा सत्संग देखना शुरू करा, जब मुझे ये समझ में आई कि वाक्य में ही संत रामपाल जी महाराज जी वो संत हैं जिन्होंने हमें ये बताया है कि सही भगवान सच्चा परमात्मा संत कबीर ही है। और वही ज्ञान देख के हमने SMS के जरिए ज्ञान गंगा पुस्तक मंगाई और मैंने और मेरे घर वाले ने वो पुस्तक पढ़ी और उस पुस्तक से और TV का सत्संग सुन के ही हम संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए हैं। बहन जी, हमने सुना है कि जो भी श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेते हैं उनको बहुत सारे लाभ प्राप्त होते हैं, चाहे वो आध्यात्मिक हो, भौतिक हो, शारीरिक हो या मानसिक हो, तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको भी कोई लाभ प्राप्त हुए? यस सर जी, मुझे भी बहुत सारे लाभ हुए हैं, क्योंकि मैं पहले जो भी भक्ति करती थी उससे मुझे कोई लाभ नहीं होता था। मेरा एक बेटा था 3.5 साल का, वो भूत प्रेत के चक्कर में ही खत्म हुआ था, क्योंकि जब उसकी तबीयत खराब हुई तो हम उसे अस्पताल लेके गए। अस्पताल जब हम लेके गए तो डॉक्टरों की समझ से बाहर हो रहा था कि इसको ये क्या दिक्कत हो रही है। तो वहाँ पे जो और काम करने वाले कर्मचारी थे उन्होंने मुझे बताया कि बहन जी आपको यहाँ पे नहीं लेके आना चाहिए इस बच्चे को, आप इस बच्चे को तो किसी शाणी वगैरह या तांत्रिक को जाके पास लेके जाओ। और मैं वहाँ से सर जी उस लड़के को उठा के हॉस्पिटल से और किसी तांत्रिक के पास लेके भी गई, लेकिन उस तांत्रिक के मैंने पैर भी पकड़े, हाथ भी जोड़े कि आप मेरे बेटे को बचा लो, लेकिन उसने पता नहीं ऐसा क्या देखा, उसने कहा कि बेटा मैं कुछ नहीं कर सकता, इसको और कहीं भी लेके चली जा। और वो दूसरे दिन ही खत्म हो गया था। उसके बाद में मेरे और मेरे पति में बहुत ज़्यादा अनबन रहती थी, हमने एक डेढ़ डेढ़ महीना अनबोल हो जाते थे आपस में। हमारा ऐसा हो रहा था कि हमारा एक साथ रहना बहुत मुश्किल हो रहा था। उसके बाद में जब हम संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए हैं तो मेरे घर में ना कोई कलेश होता है, ना कोई झगड़ा होता है। मैं जैसे बहुत ज़्यादा बीमार रहती थी, मेरा लड़का खत्म होने के बाद में मेरे एक दो अबॉर्शन हुए थे, वो मशीन से हुए थे, तो मेरे पेट में ऐसे दर्द रहता था जैसे आग में जलन होती है। तो मैं अपने हस्बैंड को बोलती थी कि मेरी उम्र बहुत कम है, क्योंकि किसी दिन भी आकर मैं कुछ भी कर लूँगी, आखिर मैं कब तक जीऊँगी ऐसे ही। तो मैं ऐसे ही करते करते मतलब परमात्मा की शरण में आ गई, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आ गई। और मैं ऐसे ही जैसे ही जब जोत लगाती संत रामपाल जी महाराज के चरणों में प्रणाम करती तो मैं यही बोलती थी, हे गुरु जी मुझे ठीक कर दो, हे संत रामपाल जी मुझे ठीक कर दो। ऐसे ही करते करते मुझे 1 साल के करीब हो गया था, जब एक दिन मुझे सपने में आया कि मेरे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज मुझे पता नहीं कहाँ ऊपर उड़ा के लेके जा रहे हैं और मेरे से कह रहे बेटा तू जोत लगाती है जब क्या बोलती है, जोत लगाती है जब क्या बोलती है। मैंने कहा कि संत रामपाल जी महाराज जो मुझे कष्ट है मैं अपना कष्ट आपको बताती हूँ, और मुझे पता है कि मेरी उम्र बहुत कम है, मैं जी नहीं सकती, मेरे बच्चों को कौन पालेगा। तब मेरे परमात्मा ने कहा, संत रामपाल जी ने मुझे कहा, देख बेटा आ जा चल तुझे मैं क्या दिखाता हूँ। मैं कहा गुरु जी क्या दिखाओगे। तब संत रामपाल जी महाराज ने कहा कि बेटा जो तू बात कह रही है ना वो तो कब की सच हो चुकी है। मैंने कहा कि संत रामपाल जी महाराज क्या सच हो चुकी है। तब मुझे गुरुजी ने बता दिखाया कि जैसे मेरे घर में ही बहुत सारे आदमी इकट्ठे हो रहे हैं और एक बॉडी बीच में लेटा रखी है। मैंने कहा गुरुजी आप मुझे ये क्या दिखाने के लिए लेके आए हो। जब संत रामपाल जी महाराज ने कहा कि बेटा अगर मैं तुझे वैसे बोलता ना तो तुझे विश्वास नहीं होता, इसलिए मैं तुझे अपने आँखों से दिखाने के लिए लेके आया हूँ। अभी इस बॉडी का मुंह उगाड़ेंगे जब तू देखना कि ये कौन है। और जब उस बॉडी का मुंह उगाड़ा तो वो मैं ही थी। और मैंने जब वो देखा कि मैं ये मर चुकी हूँ मैं तो ये, और मुझे मेरे बच्चे भी दिखाई दे रहे, मेरे रिश्तेदार दिखाई दे रहे, मेरे बच्चे रो रहे हैं, मेरी मम्मी चली गई हमें छोड़ के, मेरी मम्मी चली गई छोड़ के। तब मैंने संत रामपाल जी महाराज से कहा कि संत रामपाल जी महाराज ये आपने मुझे क्या दिखा दिया। तब संत रामपाल जी महाराज ने कहा बेटा अगर मैं तुझे वैसे बोलता कि बेटा तुझे मैंने जीवन दान दिया है तो मेरी बातों पे शायद तू विश्वास नहीं करती, इसलिए मैंने तुझे अपनी आँखों से दिखाया है। वो दिन और आज मेरे शरीर में ना कोई दिक्कत है, ना मेरे घर में कोई परेशानी है, और आज मैं बिल्कुल सही हूँ। और मेरे जो रिश्तेदार ये बोलते थे कि रानी तू कभी ये भी कहती है कि ठीक है ठीक है, हमेशा यही कहती है मैं बीमार हूँ मैं बीमार हूँ, और आज वही मेरे रिश्तेदार ये कहते हैं
किस रानी के शरीर में तो पता नहीं क्या डल गया, ये कैसे संत रामपाल जी महाराज की शरण में चली गई कि ये दिन रात काम करती रहती है, ये अब बैठती ही नहीं है। तो मैं तो यही कहूंगी कि संत रामपाल जी महाराज ने मुझे जीवन दान बख्शा है और आज मैं उन्हीं के दिए हुए सांसों के द्वारा जी रही हूँ। और जो पहले मेरे को एक एक रोटी के बारे में सोचना पड़ता था, मेरी आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी, मेरी दो बेटी हैं जो इतनी ज़्यादा बीमार रहती थी कि हम रोज़ डॉक्टरों के ही वहीं पे धक्के खाते रहते थे। जब से हमने संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण करी है, मेरे दोनों बच्चे बिल्कुल ठीक हैं। और मुझे 5 साल पहले हार्ट की परेशानी थी, मैंने पहले होली फैमिली हॉस्पिटल में दिखाया, फिर यहाँ सोनीपत में निदान हॉस्पिटल में दिखाया। निदान वाले डॉक्टर रमेश बत्रा ने मुझे कह दिया था कि आप जब तक जियोगे जब तक ये दवाई आपको खानी पड़ेगी, और मैं खाती भी थी और मुझे आंखों से बिल्कुल धुंधला दिखता था। ये जो नारंग डॉक्टर हॉस्पिटल है सोनीपत में, उसने मुझसे कहा कि बेटा जैसे आप दिक्कत बता रहे हो ऐसे तो मुझे आपकी कुछ नहीं लगती। डॉक्टर भी हैरान हो रहे थे कि आपकी टेस्ट में तो ऐसा कुछ नहीं आ रहा जो आप परेशानी बता रहे हो। और एक मुझे पूरे शरीर में इतना ज़्यादा दर्द रहता था कि ना मैं सो सकती थी ना मैं लेट सकती थी, मैं रोती थी और अपने हस्बैंड को बोलती थी कि मुझे जहर का इंजेक्शन लगवा दो, इस परेशानी से मैं बहुत ज़्यादा दुखी हो गई हूँ। लेकिन जब मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में आई हूँ, उस दिन के बाद से ना तो मैं कोई हाड़ की दवाई खाती हूँ, और मैं कई सालों से जो चश्मा लगाए हुए थी ना मैं कोई चश्मा लगाती हूँ, और जो मेरे शरीर में जो भी दर्द था आज मुझे कोई भी दर्द नहीं है। और परमात्मा की दया से आज मैं शरीर से बिल्कुल संतुष्ट हूँ, और आर्थिक स्थिति जो हमारी बहुत ज़्यादा खराब थी उससे भी आज हम अपनी आर्थिक स्थिति से बहुत खुश हैं। और जो मेरी बेटी थी वो पहले काफ़ी पढ़ने में बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी, और आज वही मेरी बेटी इतनी एक्टिव है कि 400 में से 399 नंबर लेके आई है। और मैडमों ने भी ये कहा है कि राजरानी जी आपकी बेटी तो इतनी कमज़ोर हमें लगती थी लेकिन पढ़ने में ये तो पता नहीं है, ऐसा आप क्या कर रहे हो कि जो इतने अच्छे नंबर लेके आ रही है। और आज मेरी दोनों की दोनों बेटियाँ पढ़ने वगैरह में बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, और वो पहले इतनी ज़्यादा बीमार रहती थी कि हमें हमेशा डॉक्टरों के ही धक्के खाते रहते थे। संत रामपाल जी महाराज की कृपा से आज हमारे घर परिवार में बिल्कुल सुख शांति है, आज हमारे घर में कोई दिक्कत नहीं है, मेरे घरवाला भी बहुत अच्छा है, मेरे बच्चे भी बहुत अच्छे हैं, और मैं भी अपने शरीर से बिल्कुल स्वस्थ हूँ। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको लाभ ही लाभ मिले, तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहा है आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगी? सर जी, मैं तो हाथ जोड़ कर विनती ही कर सकती हूँ कि आज दुख सबके घर में है, चाहे वो किसी प्रकार के भी हो, शारीरिक हो, मानसिक हो, आर्थिक स्थिति हो, हर कोई इंसान आज दुखी है। मैं तो हाथ जोड़ के यही प्रार्थना करूंगी कि संत रामपाल जी महाराज की शरण में आओ और अपने सभी कष्टों को दूर करो। और सबसे ज़्यादा जो हमारा कष्ट है वो है जन्म मरण का कष्ट। संत रामपाल जी महाराज हमें आज वो भक्ति दे रहे हैं जो हमें जन्म और मरण के चक्कर से छुटवाती है। मेरी हाथ जोड़ के सभी भाई भक्तों से यही विनती है कि संत रामपाल जी महाराज की शरण में आओ और अपना कल्याण कराओ। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आ सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप काफी चैनलों पे संत रामपाल जी महाराज का सत्संग आता है, उसके नीचे एक पट्टी आती है, उसके ऊपर कुछ फोन नंबर दिए गए हैं, उन फोनों पे आप कॉन्टेक्ट करके, आजकल तो हर जिले में हर स्टेट में संत रामपाल जी महाराज के नामदान क्षेत्र खुले हुए हैं, आप उन फोन से कॉन्टेक्ट करके जो भी आसपास के आपके नामदान क्षेत्र हो वहाँ से आप नाम दीक्षा ग्रहण कर सकते हैं। धन्यवाद बहन जी। सत साहेब। आप सुन रहे थे जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8222880541, 8222880542, 8222880543, 8222880544। हमारी वेबसाइट है www.jagatgururampalji.org।